सो so, हेलो अभी अपन ने इंडियन कंपनी सारे कर लिए हैं अभी अपन बढ़ते हैं ग्लोबल कंपनीज की तरफ इन सबका भी नाम अपन ने कभी ना कभी सुन रखा होता है दुनिया के जो बहुत बड़े कंपनीज हैं उसमें से गिने चुने अपने पास नाम है यहाँ पे तो चलिए शुरू करते हैं आपकी मेरी सबकी फेवरेट एप्पल से तो चलिए शुरू करते हैं एप्पल से <coughs> ये देखो एप्पल कहा गए एप्पल वाले एप्पल यूज करने वालों किधर हो आए हो कि नहीं आए हो एप्पल वालों तो चलिए शुरू करते हैं एप्पल के बारे में 1977 में एप्पल का इनकॉर्पोरेशन हुआ कैलिफोर्निया यूएस में और अभी फिलहाल की अगर बात करें फिलहाल अगर बात करें अभी सीईओ जो है वो है टिम कुक शुरुआत की थी किसने शुरुआत की थी स्टीव जॉब्स ने एक मूवी भी है इनके ऊपर अगर आपने आपको अगर मूवी देखने का शौक है तो आप मूवी भी देख सकते हैं इनके ऊपर की जॉब्स करके एक मूवी है बहुत ही अमेजिंग मूवी है इनकी लाइफ स्टोरी में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ पहले ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं एप्पल वाज़ फाउंडेड बाय स्टीव जॉब्स स्टीव वोजनियाक एंड रोनाल्ड वेन ये तीन दोस्तों ने मिलकर अप्रैल 1976 में पर्सनल कंप्यूटर्स डेवलप करना शुरू किया उस टाइम पे कंप्यूटर्स नया नया था उस टाइम पे कंप्यूटर्स नया नया था तो इन्होंने बेसिकली कंप्यूटर्स को डेवलप करके सेल करने का जानते हैं और अगेन 2007 में इसको रीनेम करके सिर्फ रखा एप्पल इनकॉर्पोरेशन एप्पल कंप्यूटर्स इनकॉर्पोरेशन हटा के अभी सिर्फ एप्पल इनकॉर्पोरेशन ये नाम रखा गया है तो टू रिफ्लेक्ट इट्स फोकस टुवर्ड्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स 2007 में बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे एप्पल के तो इसीलिए बेसिकली एप्पल कंप्यूटर्स के अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करता है इसलिए उन्होंने एप्पल इनकॉरपोरेशन रख दिया नाम तो चलिए मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ एप्पल की शुरुआत कैसे हुई थी बेसिकली <coughs> कि एप्पल में और जब बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट में कंपेरिजन किया जाता है ना तो हमेशा लोग ज़्यादा फेवर करते हैं एप्पल को ये मैंने देखा हुआ है क्योंकि एप्पल में इतना उन्होंने इनोवेटिव काम किया है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके स्टोरी बताता हूँ तो नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में बेसिकली शुरुआत की स्टीव जॉब्स ने लेकिन धीरे 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 करके कंपनी ग्रो हुई स्टीव जॉब्स बेसिकली बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे जितना ज्यादा वो इनोवेटिव थे उतना ही उनको एग्रेसिवनेस भी था मतलब वो किसी को भी एक उनका एक लीड मैनेजर था उनको आते ही फायर कर दिया एक दिन उसने कुछ काम अच्छे से नहीं किया तो इतना बड़ा लीड मैनेजर फायर कर दिया प्रोडक्ट लॉन्च पे है तो बेसिकली बहुत ज्यादा इनोवेटिव थे लेकिन एक बुरी आदत थी दैट इज इस एग्रेसिवनेस इसके चलते उनको उनकी खुद की कंपनी से एप्पल इनकॉर्पोरेशन से खुद की कंपनी खुद के सपने से उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलके निकाल दिया कब की बात है ये मेरे ख्याल से ये बात है 1980s और 90s के बीच की बात है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलके एप्पल को एप्पल में से स्टीव जॉब्स को निकाल दिया स्टीव जॉब्स को निकाल दिया हाथ में कुछ नहीं बचा सपना अधूरा छूट गया अपना खुद का और uh, मतलब ऑलमोस्ट रस्ते पे आने जैसी नौबत हो गई थी लेकिन फिर भी मैंने बताया ना एक वेव बैक रहता है हमेशा हर जिंदगी में रिकवरी करते हैं लोग इन्होंने एक शुरुआत से स्क्रैच से एक नई कंपनी खड़ी की जिसका नाम है पिक्सार पिक्सार ये पिक्सार को आप बहुत बार देख भी चुके होंगे अगर आप मूवीज के पहले ट्रेलर देखते हैं या फिर उसके पीछे जो बैकग्राउंड में चलता है वो अगर देखते हैं तो उसमें बहुत बार नाम आता है पिक्सार का इन्होंने शुरुआत की स्टीव जॉब्स ने और देखते देखते हुआ क्या देखो किस्मत का खेल कैसे पलटता है ना देखो ध्यान से देखो अभी हुआ क्या एप्पल को लॉसेस होने लगे और स्टीव जॉब्स ने जो अपनी कंपनी खड़ी की थी स्क्रैच से इनको प्रॉफिट होने लगा तो जैसे ही एप्पल के लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे और शेयर मार्केट में भी बहुत ज़्यादा वैल्यू गिरने लगी एप्पल के प्राइसेस की शेयर्स की तो 2000 वगैरह के बाद बात है ऑलमोस्ट टू की बात है एरा की तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वापस स्टीव जॉब्स को बुलाया और उनकी मिन्नतें की कि वापस ज्वाइन हो तो स्टीव जॉब्स ने वापस एप्पल को ज्वाइन किया और आते ही सबसे पहला काम उन्होंने यही किया कि जितने भी शेयर्स थे उनके पास एप्पल के स्टीव जॉब्स ने आते ही सबसे पहला काम यही किया कि जितने ही शेयर्स थे एप्पल के उनके पास वो सारे के सारे बेच दिए फिर उन्होंने धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके इनोवेशन लाना शुरू किया सारे प्रोडक्ट्स में और आईफोन का लॉन्च किया आईपैड्स लॉन्च किए आईपॉड्स लॉन्च किए बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपन देखते हैं जो इन्होंने लॉन्च किए और बहुत ज्यादा वर्ल्ड में आप किसी भी सेलिब्रिटी को उठा के देख लो किसी भी किसी भी मतलब बड़े इंसान को उठा के देख लो उसके पास अगर वो किसी ब्रांड को ट्रस्ट करता है वो है एप्पल एप्पल की खासियत ये है ना दोस्तों मतलब मैं एंड्रॉयड की बुराई नहीं कर रहा हूँ लेकिन मेरे जितने भी दोस्त है पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ एप्पल जितने भी लोग दोस्त मेरे यूज करते हैं उन सब का यही ओपिनियन है कि उनको एंड्रॉयड एक बार जिसने एप्पल यूज कर लिया उसको जिंदगी में कभी वापस एंड्रॉयड अच्छा नहीं लगता क्योंकि एप्पल इज एप्पल वो एक फीलिंग ही अलग होता है फीलिंग होता, है, अलग होता है तो अगर एक बार एप्पल यूज कर लिया ना तो फिर उसके साथ लॉयल हो जाते हैं हमेशा के लिए। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे अपनी क्लास में खुद का ही आईफोन तोड़ना खुद के ही आईफोन को कचरे के डिब्बे पे डालना वगैरह वगैरह ऐसे बहुत सीन अपनी क्लास में अपनी क्लास में भरे पड़े रे नमूने <laughs> बात करे तो, <laughs> तो चलो आगे बढ़ते हैं <laughs> एप्पल इज एन अमेरिकन multinational technology टेक्नोलॉजी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स में है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में है ऑनलाइन सर्विसेज में है मतलब मैंने बताया ना इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी रहती है कि आज अगर मार्केट में आप बात करो तो कोई भी कोडर या फिर कोई भी इंजीनियर वगैरह होगा ना उसकी कंपनी में उसको मैकबुक तो दिया ही जाता है क्योंकि मैकबुक एक ऐसा बेसिकली प्लेटफॉर्म बन चुका है ना डेवलपर्स के लिए इंजीनियर्स के लिए कि उस पे कोडिंग करना उनको ज़्यादा ज़्यादा बहुत ईजी पड़ने लगा है बहुत ज़्यादा पसंद होने लगा है और स्मूथ है बहुत ज्यादा स्मूथ है एज कम्पेयर टू द विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ये सब तो एप्पल इज वर्ल्ड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बाय रेवेन्यू वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी बाय टोटल एसेट्स

एयरपॉड क्या कुछ तो हाँ हाँ एयरपॉड्स एयरपॉड्स तो एयरपॉड्स भी भैया कितने महंगे रखे नॉर्मली आपको इतने सस्ते में मिल जाएंगे बाकी कंपनीज के लेकिन तो है। और इसमें कंट्री अभी ज्वाइन हुआ है इंडिया इंडिया में भी एप्पल रिटेल स्टोर ही नहीं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी शुरू की है इट ऑपरेट्स ऑनलाइन एप्पल स्टोर आई स्टोर आई बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आपको म्यूजिक वगैरह डाउनलोड करते हैं और गूगल प्ले स्टोर नहीं होता है इनके यहाँ पे फोन में इनके यहाँ पे गूगल क्रोम भी नहीं होता है इनके यहाँ सफारी ब्राउजर और एप्पल का खुद का एक अलग से स्टोर है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजिक रिटेलर है ये जैसे अमेजोन म्यूजिक गाना वगैरह ये सब नाम सुने हैं आपने उसमें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजिक रिटेलर एप्पल है <coughs> तो फिलोसॉफी की अगर बात करें ना तो जैसे मैंने बताया एप्पल क्वालिटी के लिए बहुत फेमस है बहुत ज्यादा फेमस है क्वालिटी के लिए तो टू इनका विजन ही यही है टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी लो कॉस्ट कॉस्ट इनकी लो हो लेकिन प्रॉफिट कम नहीं करेंगे इजी टू यूज प्रोडक्ट्स तो मिशन भी यही है एप्पल इज कमिटेड टू ब्रिंगिंग द बेस्ट पर्सनल कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स एजुकेटर्स क्रिएटिव प्रोफेशनल्स कंज्यूमर्स ये सब तो सबको ही बेसिकली इनको अच्छा एक्सपीरियंस देना है चलो ध्यान दो आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके तुम मुझे रेंज बताना ठीक है तुम मुझे रेंज बताना कि कितने में मिलता है अगर मैं बेसिक प्रोडक्ट खरीदने जाता हूं एप्पल का तो तुम मुझे रेंज बताना तो चलिए शुरुआत करते हैं मैकबुक से मैकबुक की प्राइस कितनी है जरा बताना बेसिक वर्जन कितने से स्टार्ट होता है इसका मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग फिफ्टी के प्लस ना पचास हजार से ज्यादा ही मिलता है मैकबुक का पहला वर्जन बेसिक अच्छा 70 है ओके क्या पता आईपैड आईपैड कितने में मिलता रे पांच दस है ना ज्यादा हो गया क्या पांच दस भी ज्यादा हो गया आईपैड के लिए <laughs> कितने मिलता <आएपार्ट। laughs> किता है आईपैड कितना कितना जल्दी जल्दी बोलो बोलो नो वन यूज आई मेरे ख्याल से ये भी मेरे ख्याल से थर्टी थाउजेंड के करीब करीब है ट्वेंटी okay. अच्छा मैकबुक लैपटॉप मिलता पचास में और टैबलेट मिलता एक लाख में क्या बात है भैया क्या बात है आईफोन आईफोन जो अभी नया लॉन्च हुआ है मेरे ख्याल से इलेवन का कुछ तो नाम है उसका वो एक लाख से भी ज्यादा की कॉस्ट है एक लाख दस हज़ार एप्पल वॉच भी बहुत महंगे मिलते हैं फोर्टी थाउजेंड प्लस मिलते हैं तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि मिडिल रेंज में कुछ भी नहीं है इनका सारा हाई प्राइस है टीवी का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है और म्यूजिक तो बात ही अलग है आईपॉड मेरे भाई को गिफ्ट हुआ था तो वो भी बहुत कॉस्टली था आईपॉड जैसी नॉर्मल सुनने वाली गाना सुनने वाली चीज भी बहुत बहुत महंगी मिलती है <clears throat> तो वही मैं बता रहा था आपको चलिए बात करते हैं रैंकिंग्स की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट लार्जेस। तो चलिए बात करते हैं रैंकिंग्स की रैंकिंग्स की बात करते हैं बिजनेस न्यूज़ एप्पल रैंक थर्ड इन फॉर्च्यून 500 कंपनीज एप्पल का थर्ड रैंकिंग है एप्पल का थर्ड रैंकिंग है फॉर्च्यून 500 कंपनीज में थर्ड नंबर पे आता है वर्ल्ड में टॉप थ्री एप्पल रैंक इन फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कारपोरेशन तो जैसे मैंने बताया था फॉर्च्यून 500 हंड्रेड और ये लिस्ट अलग होती है वो फोर्ब्स की मैगजीन की अलग लिस्ट होती है खुद की अपनी और वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर की अगर बात करें ना तो उसमें एप्पल फोर्थ नंबर पर आता है मतलब मैंने यहाँ तक सुना है एप्पल में जो लोग काम करते हैं वो लोग अपने पेट्स लेके आ सकते हैं वो पेड्स लेके आ सकते हैं पेड्स को घुमाने के लिए वहां पे बहुत बड़ा पार्क है आप कहीं पे भी बैठ के काम कर सकते हो आपको अगर मन है कि आज यार डेस्क पे बैठ के काम नहीं करते वहां पे एक पेड़ है पेड़ के नीचे मस्त आपको बैठ के काम करना है आपकी मर्जी आप आपको जहां बैठ के काम करना है वहां बैठ के काम करो आपको स्विमिंग पूल में पैर डाल के काम करना है स्विमिंग पूल में पैर डाल के काम करो इतना ज्यादा वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर में टॉप फोर पे आता है आप

चलो so एक like, काम करते हैं इसके शेयर प्राइस के बारे में बात करते हैं इंडिया में तो लिस्टेड नहीं है ऑफ कोर्स लेकिन बाहर की कंट्रीज का भी शेयर्स अपन देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं इसका शेयर प्राइस कैसा परफॉर्म किया हुआ है आप अपने स्टॉक ट्रेनर ऐप से खरीद भी, खरीद भी नहीं पाओगे लेकिन जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी कि अगर आप मैक्सिम क्योंकि यूएस डॉलर में होगा तो देखो यहाँ पे मैं लगाता हूँ मैक्सिमम का पीरियड ओ माय गॉड व्हाट अ स्टीप स्लोप 2007 से 2007 से तीन डॉलर का शेयर ओ oh माय गॉड कितने पे गया मैक्सिमम 120 डॉलर्स 120 डॉलर्स अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ आज के यूएस कर डॉलर्स इन रुपीस तो कितने आते हैं 8770 रुपए का एक शेयर ओ हो 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 ये है एप्पल की सक्सेस स्टोरी वाव ग्रेट अमेजिंग जैसे मैंने बताया था ना जैसे इंडिया में रिलायंस वन ऑफ द फेवरेट शेयर्स है लोगों का वैसे ही यूएस में एप्पल ये वन ऑफ द फेवरेट शेयर्स है एप्पल गूगल एंड फेसबुक ये तीन टॉप फेवरेट शेयर्स हैं वहां पे लोगों के तो ये था एप्पल की कहानी तो चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इसी के राइवल की एप्पल का सबसे बड़ा राइवल जो है मतलब अगर कहानी अगर बात करें तो एप्पल का सबसे बड़ा राइवल है माइक्रोसॉफ्ट इन दोनों में आज तक कभी नहीं बनी और इनकी जो राइवलरी है ना ये मैं जरूर तुम्हें कहानी अभी छोटा सा ब्रीफ करूंगा पहले इनकी ये जो पीडीएफ बोल रहे हैं वो सुन लेते हैं तो इन कार्पोरेशन है बेसिकली नाइनटीन में ये जो गिने चुने जो फॉरेन कंपनीज है ना इन इनका सब कुछ याद रखना इनका सब कुछ याद रखना रिस्क मत लेना कुछ हेड क्वार्टर है इसका वॉशिंगटन में <coughs> तो जैसे बात कर रहे थे सबसे बड़े दुश्मन की 1975 में इनकॉर्पोरेट हुआ तो कैसे हुई कहानी की शुरुआत तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इनके थोड़ी सी हिस्ट्री की माइक्रोसॉफ्ट वॉज फाउंडेड बाय पॉल एलन एंड बिल गेट्स ये दो दोस्तों ने मिलके अप्रैल 4 1975 को विथ गेट्स एज अ सीईओ माइक्रोसॉफ्ट को स्टार्ट किया और इनकी कहानी क्या थी पता है क्या इनका जो फर्स्ट क्लाइंट था बेसिकली इनका जो फर्स्ट क्लाइंट था तो उसकी कहानी कुछ इस तरह से मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी उसमें बता रहे थे कि आ, इन जैसे बिल गेट्स हैं बिल गेट्स कॉम बेसिकली प्रोग्रामिंग में अच्छे थे लेकिन आई जो है ये उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस थी तो पर्सनल कंप्यूटर्स में आई का बहुत बड़ा नाम था तो बिल गेट्स को ऑफर मिला था कि आई ने हार्डवेयर बना लिया था अभी कंप्यूटर्स में आपको दो चीजें पता होती है एक होता है हार्डवेयर एक होता है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर मतलब बेसिकली ऐसी चीज होती है जो इंटरैक्ट करता है हार्डवेयर से इंटरैक्ट करने में मदद करता है इंसानों को तो बिल गेट्स को बुलाया गया आई में कि आप बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का हमको सॉफ्टवेयर दीजिए उस टाइम पे तो विंडोज बना नहीं था तो बिल गेट्स ने मतलब मैंने बताया था ना कुछ कुछ लोग होते हैं जिनमें मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज्यादा होता है और कुछ कुछ लोग होते हैं जिंदगी में जिनका इनोवेशन स्किल्स बहुत अच्छा है जैसे स्टीव जॉब्स स्टीव जॉब्स का मैनेजमेंट स्किल्स इतने अच्छे नहीं थे लेकिन उनका इनोवेटिव स्किल्स जो था इनोवेशन जो वो सोचते थे विजनरी बहुत ज्यादा विजनरी तो ये इनमें इनोवेशन स्किल्स बहुत थे और अगर बात करें बिल गेट्स की तो बिल गेट्स में मैनेजमेंट स्किल्स बहुत है कोई कोई रहता है ना बिजनेसमैन पर्टिकुलर प्योर बिजनेसमैन वो बिल गेट्स है उसमें एग्जांपल कोई गलत बात नहीं है इसमें तो इन्होंने क्या किया आईबीएम की मीटिंग में अभी तक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बनाया भी नहीं है फिर भी आई वालों को बोला की मैं आपको ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर दे दूंगा घर आए पॉल से बात की तो पॉल ने एक फ्रेंड का नाम बताया जिसने बेसिकली Uh, क्या किया था एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बनाया था बेसिक सा था लेकिन उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने थे तो वो फ्रेंड से बिल गेट्स ने ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर खरीदा और इनको बेचा नहीं आई वालों को बेचा नहीं ध्यान दो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी क्या खतरनाक की इन्होंने देखो ध्यान दो इससे खरीद लिया परचेस कर लिया ये सॉफ्टवेयर इनका हो गया बिल गेट्स का हो गया आई वालों को बोला कि तुम जितने मशीन्स बनाओगे ना उस हर एक मशीन पे हमको रॉयल्टी चाहिए हमको एक साथ अमाउंट नहीं चाहिए तो ना बिजनेस मैन ही पैदा होते हैं खून में ही रहता है उनके बिजनेस तो बेसिकली ये है बिल गेट्स की कहानी माइक्रोसॉफ्ट एंटर्ड बिजनेस इन इट्स ओन वर्जन ओन वर्जन इन्होंने खुद बनाया सबसे पहले Zenix करके नाम रखा However, it was MS DOS that solidified the company's dominance. तो so, सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर इन्होंने बनाया ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वो था एम एस डॉस इसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़े और एम एस डॉस बेसिकली ज्यादा पॉपुलर हुआ एम एस डॉस के बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आया विंडो मैंने क्योंकि कंप्यूटर्स बहुत अपने बचपन से यूज किए हुए तो मेरे को ये पूरा सीरीज अच्छे से देखा हुआ है मैंने कैसे प्रोग्रेस करता है पहले सबसे पहले जो कंप्यूटर आता था हमारे घर में मेरे को आज भी याद है बहुत पुराना नाइन्टी नाइनटी से नाइनटी एट नाइन्टी नाइन की बात है मतलब उतनी पुरानी मेमोरीज है कि मैं बचपन में मारियो खेलता था एक डब्बा रहता था मेरे लिए अलग डब्बा था और काम करने के लिए अलग डब्बा था दादाजी के पास तो मारियो खेलता था उसमें और एक गेम था प्रिंस का प्रिंस करके गेम हुआ करता था ये गेम खेलता था किसी ने खेला है कभी जिंदगी में मारियो प्रिंस फिर रोड रैश वगैरह तो बाद में आए बेसिकली प्रिंस ऑफ पर्शिया राइट बिल्कुल बिल्कुल सही प्रिंस ऑफ पर्शिया फिर जैसे ये कंप्यूटर अपग्रेड हुआ तो उसमें फिर आए तुम्हारे रोड रैश और बाकी के जो गेम्स थे जैसे एक ऑप्स करके गेम आता था पता नहीं उसका नाम पूरा क्या था लेकिन मिशन देते थे उसमें भी जी टी सिटी का बेसिक वर्जन कुछ तो नाम था उसका पता नहीं उसके बाद फीफा 98 आया फीफा 98 तो बहुत खेला बहुत 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 खेला बहुत तो, तो आज भी मेरा फेवरेट गेम है लेकिन मिलता नहीं है उसका वर्जन आज तो बेसिकली ये इसका प्रोग्रेस है तो चलिए बात करते हैं कंपनी बेसिकली करती क्या है थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कंपनी का अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है अभी की अगर प्रेजेंट सी की बात करें तो वो है सत्या नडेला ये आ, इंडियन है ये इंडियन है याद रखना <coughs> तो इट डेवलप्स, मैन्युफैक्चर्स, लाइसेंसेस सपोर्ट्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में ज्यादा है, uh, है अपनी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर चेक करके देख लेना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मैं ये जो भी नोट्स बनाता हूँ ये सब किस में बनाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये एक ऐसे बेसिकली चीजें है ना जो नाइंटी परसेंट मार्केट शेयर है पूरा की बात करें तो उसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोर करके एक ब्राउजर होता है लेकिन ये इतना चला नहीं मैं भी यही यूज करता लेकिन अभी अभी इन्होंने नया ब्राउजर निकाला है एज करके माइक्रोसॉफ्ट एज करके है ये गूगल क्रोम से भी अच्छा चलता है माइक्रोसॉफ्ट एज इज वन ऑफ द बेस्ट ब्राउजर राइट नाउ सिक्योर्ड भी है और बहुत अच्छा ब्राउजर है तो अगर तुम टेक्नो सेवी हो तो तुमको ये सारी चीजें समझ में आ रही है जो भी मैंने अभी पांच मिनट से बच... जो भी प्रवचन दिया है ना तो कुछ कुछ के तो दिमाग के ऊपर से गए सर विंडोज क्या ऑफिस क्या क्या बोल रहे <laughs> कोई बात नहीं बेटा क्या सर इंडिया में है क्या माइक्रोसॉफ्ट का प्रेजेंस बिल्कुल है इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सब्सिडरीज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड वाइड लीडर बन रहा है धीरे धीरे इंडिया माइक्रोसॉफ्ट इंडिया स्टोरी इन 1990 जैसे हुआ न, वैसे ही ये स्टोरी अपनी चालू हो गई तो सिक्स मेजर बिजनेसेस में आए ये तो इन्होंने क्या क्या शुरू किया इंडिया में देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड माइक्रोसॉफ्ट आईटी सर्विस ग्लोबल हर एक के नाम में माइक्रोसॉफ्ट है तो आपको आसानी होगी एमसीक्यूज के लिए इनका विजन और मिशन क्या है टू एम्पावर एवरी पर्सन to 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 achieve more and to help individuals to reach their full potential. Basic aim, vision mission क्या -क्या क्या 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 क्या? Uh, Windows Office ये सब तो software और services हैं जैसे मैंने बताया एमएसएन करके भी एक सॉफ्टवेयर uh, है ज्यादा पॉपुलर नहीं है यहाँ पे लेकिन बाहर है पॉपुलर और उसके अलावा एक्सबॉक्स करके ये पी गेम्स बनाते हैं uh, इसके अलावा फॉर businesses, businesses में क्या क्या करते हैं ये बिजनेसेस में विंडोज फॉर बिजनेस ऑफिस फॉर स्काइप इनका बहुत अच्छा चलता है अभी बिजनेसेस की अगर बात करें तो खतरनाक वॉल्यूम में स्काइप चलता है जैसे अपना जूम है ना वैसे ही स्काइप एक है एम एस डायनामिक थ्री ये भी कुछ इनका सॉफ्टवेयर है बिजनेसिस के लिए डेवलपर्स के लिए भी है ये सब और स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स के लिए भी है वन नोट ये मेरे ख्याल से प्रणव सर यूज करते हैं वन नोट और ऑफिस फॉर स्टूडेंट्स हाँ और माइक्रोसॉफ्ट इन एजुकेशन ये सब चीजें भी हैं। जैसे अगर तुमने स्टूडेंट्स वर्जन में खरीदा होगा तो तुमको ऑफिस फॉर स्टूडेंट्स मिला होगा मेरे पास, का नहीं है। मेरे पास जो ऑफिस है जैसे ये 2019 का वर्जन लिया हुआ है मैंने तो मेरा ऑफिस वर्जन नहीं है एक्सेल वगैरह ये सब चीजें मेरा 2019 वर्जन है यहाँ पे कहीं लिखा होगा नहीं लिखा छोड़ो तो रैंकिंग्स की बात करते हैं जैसे मैंने बताया रैंकिंग्स आपको याद रखने हैं अगर बहुत अच्छे रैंकिंग्स है तो ज़रूर याद रखने वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर में नंबर टू पे आता है फॉर्च्यून के ट्वेंटी रैंक पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट में सिक्सटीन रैंक पे फोर्स फोर्स के इन्होंने लिंकड इन को खरीदा है आजकल लिंकेड के बहुत ज़्यादा एड्स आते हैं आपने आपको पता है लिंकेड इन क्या कंसेप्ट है अरे भैया स्नैपचैट से ऊपर आओ जरा स्नैपचैट से ऊपर आओगे तो आपको पता चलेगा लिंकेड इन एक बेसिकली फेसबुक जैसा ही है लेकिन प्रोफेशनल्स के लिए है अगर कभी आप भी आर्टिकलशिप वगैरह ज्वाइन करते हो तो आप भी इनसे हायरिंग्स भी करते हैं नई नई अपॉर्चुनिटी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढे जा सकते हैं बेसिकली एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है माइक्रोसॉफ्ट एक्वायर्ड नोकिया ये तो तुमने सुना ही होगा कि अभी नोकिया माइक्रोसॉफ्ट के हवाले है डूब गई थी पूरी नोकिया लेकिन अभी अच्छे से परफॉर्म कर रही है माइक नोकिया के मोबाइल्स भी अच्छे से दिखते हैं स्काइप टेक्नोलॉजीज ये अल अलग कंपनी थी ओरिजिनली so, माइक्रोसॉफ्ट ने स्काइप नहीं बनाया था स्काइप टेक्नोलॉजीज अलग कंपनी थी लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने उसको एक्वायर कर लिया और उसके अलावा ये के के बॉक्स वगैरह वगैरह ये इनके साथ पार्टनरशिप की है मीडिंग टे, मीडिया टेक्नोलॉजी के लिए और म्यूजिक स्ट्रीमिंग के लिए और क्या किया है केपीएमजी पी एक्सपेक्ट टू इन्वेस्ट यूएस डॉलर फाइव बिलियन इन डिजिटल स्ट्रेटेजी मतलब इनको और इन्वेस्टमेंट्स करने हैं केपीएमजी जैसे आपको पता है वर्ल्ड कंपनीज है ऑडिट के उसमें ये नाम आता है जो इन्वेस्ट करना चाहती है माइक्रोसॉफ्ट में क्या बात है तो चलिए इतना सब पढ़ लिया तो शेयर प्राइस तो बनता ही है करना है कि नहीं करना शेयर प्राइस देखना है सबको है क्यूरियोसिटी <coughs> एवरीबडी शेयर प्राइस हेलो 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 आवाज आ रही है तो चलो देखते हैं, देखते हैं, शेयर प्राइस देखते अगेन यूएस डॉलर्स में ही होगा ये, तो चलो बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट शेयर प्राइस क्या बात है दो डॉलर्स, एप्पल से भी महंगा है ना ये तो एप्पल का डबल है भैया वाह और मैक्सिमम में भी आप देख सकते हैं ये 2000 के बाद से थोड़ा गिरा था क्योंकि मैंने बताया था ना टेली आईटी बबल करके अपन ने पढ़ा हुआ है बिजनेस साइकिल्स में याद आता है सबको आईटी बबल पढ़ा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल जो बर्स हुआ था 2000 में उसकी वजह से इसका शेयर प्राइस गिरा था उस टाइम बहुत गिरा था मतलब ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है सिक्सटी से डायरेक्ट थर्टी पे पहुंच गया था लेकिन फिर भी सस्टेन कर करके कर करके दो हजार आठ में भी गिरावट देखने को मिली है उसके बाद से जो ग्रोथ मिला है ना शूटअप हुआ है शूटअप डायरेक्ट दो सौ सत्रह डॉलर का एक शेयर क्या बात है अमेजिंग चलिए बात करते हैं आगे इन सब में इन सब कंप्यूटर्स में जो चिप लगती है बेसिकली पहले सबसे पहले एक बात कर लेते कंप्यूटर्स की कंप्यूटर में और कौन कौन है तो अपने पास है अगेन आई बी एम आई बी एम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन तो कुछ कुछ लोगों ने इनका नाम सुना हुआ है कुछ कुछ लोगों ने इनका नाम नहीं सुना इतने फेमस नहीं है आई बी एम लेकिन फैक्ट जब पढोगे ना तब ज्यादा मजा आएगा अच्छा किस किस ने सुना हुआ है अच्छा सुना हुआ है क्या बात है बहुत बढ़िया तो आई बेसिकली एक बहुत बड़ी कंपनी है चलो पढ़ते हैं कितनी बड़ी है 1911 में इनकॉर्पोरेट हुई है बहुत पुरानी है जैसे मैंने बताया न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और जिनी रोमेटी और जेम्स ये क्या नाम है ये सी है कंपनी का इंट्रोडक्शन की अगर कर बात करें आई बी एम इज एन अमेरिकन मल्टी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी सारे बेसिकली बड़े बड़े कंपनीज यूएस से ही है है जिसका प्रेजेंस 170 कंट्रीज से भी ज्यादा में, में ये ऑपरेट करते हैं इट मार्केट्स कंप्यूटर हार्डवेयर मिडलवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह 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 कंप्यूटर्स में इनका ज्यादा है इसके अलावा uh, मेरे इसके अलावा वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है सिर्फ कंप्यूटर्स में नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में भी है इट इज अ मेजर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इनके पास बहुत सारे पेटेंट्स हैं इन्वेंशन पर आई बी एम इनक्लूड ऑटोमेटेड टेलर मशीन ए टी एम मशीन जो है बेसिकली वो आई बी एम ने ईजाद की हुई है फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क ड्राइव मैगनेटिक्स ड्राइव ये सब एस क्यू एल प्रोग्रामिंग ये सब इन्होंने बनाया हुआ है उसके बाद अगर बात करें इंडिया में इनका क्या प्रेजेंस है तो इंडिया में आई बी एम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से इनकी सब्सिडरी है वनीता नारायण जी यहाँ के इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टाटा के साथ आई बी एम ने जॉइंट वेंचर किया है टाटा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बना के तो चलिए बात करते हैं और क्या क्या अचीव किया है फोर हिस्टोरिकल माइल स्टोन जूलियस पेटेंटेड द कंप्यूटिंग स्केल इन एटीन एटी फाइव और एलेक्सेंडर दे ने इन्वेंटेड डायल रिकॉर्डर अच्छा तो ये मेरे ख्याल से थोड़े टेक्निकल टर्म्स है कंप्यूटिंग स्केल डायल रिकॉर्डर इलेक्ट्रिक टैबुलेटिंग मशीन और टाइम क्लॉक ये सारे बेसिकली इन्होंने एम के ही बेसिकली हिस्ट्री से चलते आ रहे हैं और इन्होंने ही सब इन्वेंशन किए हुए हैं ऑन तो फोर कंपनीज इन्होंने किए थे फिफ्थ कंपनी जो बेसिकली बेसिकलीश की थी आईबीएम वाज ओरिजिनेटेड इन 1911 एज द कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी सीटीआर करके इसको एस्टैब्लिश किया गया था और बाद में इसका नाम बदल के इंटरनेशनल बिजनेस मशीन रखा गया था तो सबसे पहले जो आई जो अपन देख रहे हैं आज वैसा नाम नहीं था 1911 में कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग मशीन सी टी आर ऐसा नाम था तो विजन और मिशन क्या है आई बी एम शुड बी फर्स्ट एंड फोर मोस्ट ऑफ एनी न्यू एंटरप्राइज ये इनकी चाहत है कि हर कंपनी आई को ही प्रेफर करे और इनोवेश इन्वेंशन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर में और इनके नाम हो तो इनके क्या क्या सर्विस सेगमेंट्स है बेसिकली बिजनेसेस के ज्यादा काम में आते हैं इनके सर्विसेज वगैरह जो ये प्रोवाइड करते हैं एनालिटिक्स क्लाउड कॉमर्स वगैरह वगैरह यहाँ पे इनके सर्विसेज ज्यादा है और जैसे मैं बता रहा था रैंकिंग भी इसका बहुत बढ़िया है तो थर्टी रैंकिंग है फॉर्चून फाइव में फोर्ब्स की अगर बात करें तो सिक्सटी रैंक है फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉय में इलेवेंथ रैंक है ये सारे रैंक्स अच्छे हैं आपको इन्हें एक दो बार पढ़ना पड़ेगा जरूर इट एक्वायर्ड एजाइल थ्री सोल्यूशंस एंड रेवी टेक्नोलॉजीज तो जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है ना ग्रो करती जाती है वैसे वैसे वो और ज्यादा एक्विजीशन वगैरह करते जाते हैं जैसे आई बी एम ने लम लॉम्बार डी सैनोवी टेक्नोलॉजीज वगैरह इन सबको हायर किया है रेड हैट करके है इसको भी एक्वायर किया है रेड हैट एक बहुत ही फेमस कंपनी है एक सौ नब्बे डॉलर पर शेयर इनका चल रहा था कैश में इन्होंने दिया है इतना बेसिकली इन्होंने एक्वायर किया है उसके अलावा क्लाउड सिस्टम क्लाउड ये कंसेप्ट जो होता है गूगल क्लाउड वगैरह वैसे ही इन्होंने क्लाउड का बहुत बड़े इनके क्लाउड सर्वर्स वगैरह हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड तो मैंने बताया ना बिजनेस इसके लिए ज़्यादा चलता है इनका उसके बाद टेक जाइंट आई बी एम ऑन फोर्टीन जैम सेट इट हैज़ रिसीव रिकॉर्ड नाइन टू सिक्स टू यूएस पेटेंट्स इन 2019 और सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर इंडिया से है इंडिया से इन्होंने पेटेंट्स बहुत ज़्यादा डेवलप किए हैं मतलब इमेजिन करो इंडियन टैलेंट और कितना रोशन हो रहा है बहुत ही बढ़िया मैंने बताया ना बहुत ज़्यादा इनोवेशन करती है कंपनी <clears throat> इंडिया से ही इनको नाइन से भी ज़्यादा पेटेंट्स रिसीव हुए हैं तो ये बेसिक बहुत बड़ी कंपनी है तो चलिए बात करते हैं शेयर प्राइस की शेयर प्राइस कैसा परफॉर्म कर रहा है आईबीएम शेयर प्राइस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्पल जितना ही इसका शेयर प्राइस है ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है एप्पल की और इसके शेयर प्राइस में फ्लक्चुएटिंग है और इसका एप्पल में और माइक्रोसॉफ्ट में अपने को स्टीप ग्रोथ था यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग है और फिर 2000 की अगर बात करें जैसे मैंने बताया था 2000 में देखो कितना फ्लक्चुएट हुआ है और गिरा भी है बाद में आईटी बबल बेसिक ये वही सीन है यहाँ पे 2008 की अगर बात करें तो आठ दो के रिसेशन में भी ग्लोबल रिसेशन में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा शेयर गिर चुका है उसके बाद चढ़ता गया चढ़ता गया और अभी वापस से स्टेबल होने पे है चलिए बात करते ग डिविडेंट बेसिकली ज्यादा अच्छा देती है ये कंपनी फाइव परसेंट तक का डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को तो इसलिए अच्छी कंपनी है बात करते हैं आगे चिप्स की इंटेल चिप्स तो चिपसेट्स बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वगैरह या फिर कोई भी आप बेसिकली यूज करते हैं पीसी यूज करते हैं तो उसमें चिपसेट जो लगा होता है मेजॉरिटी वो चिपसेट होता है इंटेल का इंटेल 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 1968 में कैलिफोर्निया यूएस अगेन एस्टेब्लिश हुए हेडक्वार्टर्स भी इनका वही है और बात करते हैं अमेरिकन मल्टीनेशनल है अगेन उसमें कोई बड़ी बात नहीं इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड हाइएस्ट वैल्यूड सेमी कंडक्टर चिप 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 मेकर्स इतना ही नहीं कुछ मेरे ख्याल से मोबाइल फोन्स भी चलते थे बीच में मोबाइल फोन्स भी चलते थे बीच में जैसे आसूस वगैरह का मोबाइल फोन चलता था उसमें इंटेल का चिप था इंटेल का चिपसेट था तो इंटेल बेसिकली चिपसेट बनाने में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रैंकिंग पे है X86 सीरीज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इन्होंने स्टार्ट किए थे मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर्स में इनके चिपसेट्स होते हैं इसका इंटेल का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है वो है ए एम ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है इसका तो इनके चिपसेट सब सब में लगते हैं एप्पल भी इनके ही चिपसेट यूज करता है लेनोवो एच पी डेल सब इनके ही चिपसेट्स यूज करते हैं उसके बाद हिस्ट्री की अगर बात करें तो 1968 में इंटेल फॉर्म हुआ सेमीकंडक्टर्स बनाने में पायनिंग अचीव किया है रॉबर्ट नॉइस और गॉर्डन uh, मूर ने मिलकर शुरुआत की थी और बाद में इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स करके इसका फुल फॉर्म है बेसिकली आई एन टी और यहाँ पे आप देख सकते हैं ई एल ऐसे इन्होंने इंटेल करके नाम इसको रखा तो बेसिकली इंटेल इज द टर्म फॉर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ऑल्सो मेड द नेम अप्रोप्रिएट इंटेल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स तो चलिए शुरू करते हैं आगे फिलोसॉफी मिशन मिशन और विजन के बारे में कोर वैल्यूज इनकी यही है कस्टमर ओरिएंटेशन डिसिप्लिन रिस्क टेकिंग वगैरह 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 क्वालिटी और अच्छा बेसिकली हर कंपनी अच्छा ही लिखती है मिशन और विजन में कोई भी ऐसा नहीं लिखता कि आने वाले सालों में हम खराब परफॉर्मेंस करेंगे ऐसा हमारा ड्रीम है कि सबके मोबाइल की धजिया उड़ा देंगे लैपटॉप्स उड़ा देंगे ऐसा चिपसेट उड़ा देंगे सारे ऐसा कोई भी नहीं लिखता है अपने मिशन और विजन में सिंपल सी बात है हर कंपनी ग्रो करना चाहती है ऐसा नहीं करता कोई भी <laughs> अच्छी अच्छी बातें ही लिखते हैं वो लॉजिकल है उसके बाद आगे पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो Intel Core, Intel Xeon, कोर इंटेल और अभी इंटल कोर बेसिकली सारे चिपसेट है जिनके नाम मैंने पढ़े भी तो तुमको फायदा नहीं है याद नहीं होने वाला इतना टेक्नोसा कोई भी नहीं है यहाँ पे इसके अलावा रैंकिंग की बात करते हैं चलो रैंकिंग्स अच्छे हैं इसके फोर्टी थ्री फोर्टी फोर सिक्सटी फोर अच्छे रैंकिंग है इंटेलर फिफ्टीन पॉइंट थ्री बिलियन टेक टेक्नोलॉजी को, मतलब को, को खरीदा हुआ बहुत सारे एक्विजिशन किए और इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप मेकर हबाना लैब्स अच्छा मतलब इसराइल में बेसिकली अगर बात करें ना तो बहुत सारे बहुत सारे बेसिकली डेवलपमेंट देख रहे हैं अपन इसराइल ने क्या बात है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत बढ़िया ये तो फर्स्ट बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिलते जानने को मिली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप मेकर को एक्वायर किया है गुड सोल्ड कारिटी ऑफ इट्स मॉडर्न बिजनेस टू एप्पल एप्पल वैल्यूड एट डॉलर वन बिलियन इन टू तो इन्होंने बेसिकली अपना स्मार्टफोन मॉडर्न बिजनेस जो है वो एप्पल को बेच दिया था ऑफ कोर्स जो हाईएस्ट बिडर होगा पैसा सबको कमाना है हाईएस्ट बिडर होगा उसको बेच देंगे अच्छा खासा चल रहा है तो पैसा भी कमाना है अपने को ये बात भी है चलिए देखते हैं शेयर प्राइस इंटेल शेयर प्राइस 50 डॉलर्स में है अभी फिलहाल तो और मैक्सिमम की अगर बात करें तो इसके शेयर प्राइस में बहुत खतरनाक फ्लक्चुएशन है तो 2000 में मेरे ख्याल से जो आईटी बबल बस्ट हुआ था उसमें बहुत ज्यादा पिटा है इसका शेयर डायरेक्ट सत्तर रुपए से सत्तर डॉलर से रुपए नहीं सॉरी डॉलर से डायरेक्ट ट्वेंटी फाइव डॉलर और उससे भी नीचे गया है सिक्सटीन डॉलर तक लेकिन उसके बाद चढ़ा भी है और सिक्सटी डॉलर तक गया है क्या बात है बहुत बढ़िया है थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी का रिटर्न अच्छा है और कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स भी अच्छे हैं जैसे अगर बात करें ना फ्यूचर की अगर बात करें तो फ्यूचर में अगर मैं आने वाले 50 सालों की बात करता हूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा स्कोप है मार्केट में और इन्होंने उसी कंपनी को वही वैसे ही एक्विजिशंस कर रहे हैं वैसे ही रिसर्च डेवलपमेंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है हाँ हाँ तो ये थी कहानी बेसिकली इंटेल की तो एक बार देख लेते हैं अपन ने कौन सी कौन सी कंपनी देख ली तो अपन ने क्या क्या देखा माइक्रोसॉफ्ट आई इंटेल और एप्पल तो चलिए जो लास्ट कंपनी जो बची हुई है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो है एचपी उसको खत्म करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं एचपी कंप्यूटर्स के बारे में आप सबने सुना ही होगा बहुत फेमस कंप्यूटर्स हैं इनके <coughs> ओके, okay, तो so, 1939 में इनकॉर्पोरेट हुआ है अगेन इसका भी हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में तो so, आप पैटर्न को समझिए आप क्रोनोलॉजी को नहीं आप पैटर्न को समझिए जरा ये पैटर्न जो है वो देखने को क्या मिल रहा है पैटर्न यही देखने को मिल रहा है कि बेसिकली कैलिफोर्निया यूएस में मेजोरिटी जो आईटी कंपनीज है उनका है क्या बात है चेयरमैन का नाम देखो दे चेयरमैन का नाम देखो चेयरमैन के नाम में ही चिप है अरे भाई ये तो गजब है गजब ओ हो 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 ओहोरी ओके ये स्पैनिश लग रहा है इंसान और स्टीव बिलर सी एफ ओ है <coughs> चलिए आगे बढ़ते हैं 1939 में वन क्यार गैरेज से शुरुआत हुई पालो ऑल्टो विलियम बिल और इनका सरनेम है बेसिकली हैवलेट एंड पैकार्ड ये दो लोग जो थे डेव पैकार्ड और रेडिंगटन बिल रेडिंगटन हेवलेट इन इन्होंने बेसिकली अपने सरनेम्स को यूज़ करके हेवलेट पैकार्ड ये नाम दिया है अमेरिकन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बेसिकली इनका कंप्यूटर्स में ज़्यादा है अगेन और सॉफ्टवेयर सर्विसेज वगैरह में भी ज़्यादा है तो चलिए बात करते हैं आगे विजन की टू क्रिएट टेक्नोलॉजी दैट मेक्स लाइफ बेटर एवरी पर्सन एवरी वेयर वगैरह वगैरह इनको बेसिकली uh, हर इंसान की लाइफ को बेहतर बनाना है बहुत बढ़िया तो एच पी के जो मेजर प्रोडक्ट लाइन्स है वो मैंने बताया पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइस एंटरप्राइज और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सर्वर कॉम्प्यूटर से रिलेटेड ही है सारे जनरली सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स वगैरह 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 इन सबसे रिलेटेड ही है इसके अलावा ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑफिस सप्लाई रिटेलर्स वगैरह पे भी करते हैं ये क्या बात है फॉर्च्यून 500 में इनका फिफ्टी रैंक है लेकिन बाकी रैंक्स कुछ इतने अच्छे नहीं है टू सेवेंटी थ्री में इनके रैंक इतने अच्छे नहीं है कंपनी हैज कमिटेड डॉलर 200 मिलियन ओवर फाइव और मोर ईयर्स टू डेवलप वाटर बेस्ड इंक टेक्नोलॉजीज हाँ ये इनके जो प्रिंटर्स है बेसिकली ये बहुत सारे फेमस हुए हैं आपने प्रिंटर का एड भी देखा होगा एच प्रिंटर्स का कैनन प्रिंटर्स एच प्रिंटर्स बेसिकली ये इनके एड्स भी चलते हैं टीवी पे इंक बेस्ड मतलब कलर प्रिंटर्स की अगर बात करें तो इनके प्रिंटर्स भी बहुत अच्छे बिकते हैं बहुत सस्ते में भी आते हैं इनके प्रिंटर्स एचपी इनकॉर्पोरेशन लॉन्च फर्स्ट नोटबुक विथ ओशन बाउंड प्लास्टिक्स। क्या बात है मतलब ओशन से जो निकाला हुआ कूड़ा है है बेसिकली उससे इन्होंने फर्ल्ड वर्ल्ड फर्स्ट नोटबुक बना के दिखाया है क्या बात है अमेजिंग इसी को तो बोलते हैं इकोलॉजी एको, को अच्छे से समझना और सस्टेनेबल ग्रो करना क्या बात है बहुत बढ़िया तो चलिए बात करते हैं शेयर प्राइस की क्योंकि मेरा भी इतना अच्छा स्टडी नहीं है यूएस मार्केट का मैं यूएस मार्केट जितने फॉलो नहीं करता आप मुझे बताओ इसका शेयर कितने डॉलर्स तक रहेगा अंदाजा अंदाजा चलो चलो देखते हैं अंदाजा कितना अच्छा होगा एप्पल देखा माइक्रोसॉफ्ट देखा आई देखा इंटेल भी देखा इसका शेयर कितने में रहेगा कितने यूएस डॉलर ओके चलो देखते हैं 80 90. HP. अब की उम्मीदों पर पानी फिरते हुए मैं बताना चाहूंगा एचपी इन कॉरपोरेशन जो है इसका शेयर प्राइस नाइनटीन डॉलर में है बहुत ही कम hmm. तो 2000 में बेसिकली आईटी बबल जो फूटा था उसमें बहुत इसका शेयर पिटा था और उसके बाद इतना रिकवरी नहीं दे पाया है अच्छे से दिस हर्ट्स, ओह आईडेक्स लगा आईडेक्स हर्ट्स जहाँ पे हो रहा है ना देखो आईडेक्स लगा वहां पे <laughs> मस्त रिकवरी मिलेगी <भी> <laughs> <आएडेक्स लगा। laughs> चलो आगे बढ़ते <laughs> तो चलिए बात करते हैं इसके बाद जो अपने पास जो कंपनी है वो है बची हुई दो तीन कंपनीज बचे हुए हैं जैसे हैं वॉलमार्ट वॉलार्ट की जो फैमिली है ये बहुत ज़्यादा रिच है बहुत ज़्यादा रिच है और इन पर बेसिकली हर घंटे कुछ तो मिलियन डॉलर्स में ये कमाते हैं लैक्स डॉलर्स में हर घंटे हर घंटे वॉलमार्ट की फ़ैमिली जो है ये कमाती है तो वर्ल्ड्स रिचेस्ट फैमिलीज़ में इनका नाम आता है इनकॉर्पोरेशन ईयर है 1969 और ये एक जगह है अर्कन करके यूएस में वहां पे इनका हेडकोर्टर्स है चलिए आगे बात करते हैं अमेरिकन मल्टीनेशनल रिटेलिंग कॉरपोरेशन सब कभी ना कभी डी मार्ट में गए होंगे तो डी मार्ट बेसिकली डी मार्ट जितना तो इनका बाथरूम होगा इतना ऐसा सोचिए आप क्योंकि डी मार्ट बहुत ही छोटे होते हैं और वॉलमार्ट का एरिया बहुत, बहुत बहुत बड़ा होता है तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी बाय रेवेन्यू है वॉलमार्ट क्या जब तक है जान जब तक है जान का इधर क्या संबंध को सच्ची बता अभी तो बताई जब तक है जान कौन से सेंस मतलब वॉलमार्ट और शाहरुख खान और कैटरीना कैफ कहा मतलब कोई सेंस है इस बात का कोई सेंस बताओ आप मेरे को क्या बोल रहे है भाई तो इट इज वर्ल्ड लीडिंग रिटेलर रिनो फॉर इट्स एंड इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी है बहुत सारे स्टोर्स हैं पूरे वर्ल्ड में 28 कंट्रीज से ज्यादा इनके बेसिकली स्टोर्स हैं उसमें लार्जेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड ओ हो हो क्या बात है इंडिया में ओके okay. इंडिया में अगर बात करें वॉलमार्ट इंडिया ओन्स एंड ऑपरेट्स ऑपरेट्स 21 बेस्ट प्राइस मॉडर्न होलसेल स्टोर्स ऑफरिंग नियरली 5000 आइटम्स इन कैश एंड कैरी अच्छा क्रिश अय्यर ये प्रेसिडेंट है सीईओ प्रेसिडेंट एंड सीईओ वॉलमार्ट इंडिया के और इन्होंने फर्स्ट स्टोर जो ओपन किया हुआ है वो है अमृतसर में तो नाइन स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है मुझे नहीं लगता यहाँ कहीं तो मतलब महाराष्ट्र में कहीं इनका प्रेजेंस है मेरे ध्यान में तो नहीं आ रहा है कहीं पे होगा भी तो चेक जरूर करना फाइव आइटम्स इन कैश एंड कैरी क्या बात है तो बी टू बी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं ये 2014 से इन्होंने शुरुआत की है बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस जैसे अमेजॉन जो है ये बी टू सी है बिजनेस टू कंज्यूमर्स कस्टमर्स को डायरेक्टली बेचते हैं वैसे ये बी टू बी है जैसे आपका इंडिया मार्ट जो है ना वैसे ये वॉल मार्ट है तो नाइनटीन सिटीज में है वर्चुअल प्लेटफॉर्म वर्चुअल स्टोर है इनका चल रहा है अभी भी ग्रोइंग फ्रेज में है मैं नहीं बोलूंगा इंडिया में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है वॉलमार्ट ने लेकिन बहुत ग्रोइंग फेज में तो सैम वॉल्टन ने शुरुआत की थी 1962 में और लिस्टेड है ये 1972 से तो इसका शेयर प्राइस भी चेक करते हैं अपन विजन जो है बेसिकली कंपनी का यही है कंपनी का विजन भी यही है टू बी द बेस्ट रिटेलर इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स क्या बात है सेविंग पीपल्स मनी एंड सेव मनी लिव बेटर ये इनका स्लोगन है स्लोगन भी अच्छा है सेव मनी लिव बेटर क्या बात है ओहो हो फाइव हंड्रेड में रैंकिंग इसका नंबर वन है तो क्लास का अच्छा अमरावती में है अच्छा मेरे को नहीं पता था महाराष्ट्र में भी एक सिटी में है अमरावती में वॉलमार्ट बहुत बढ़िया तो वॉलमार्ट की अगर बात करें तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में फर्स्ट रैंक है इसका क्या बात है वॉलमार्ट एक्वायर सेवेंटी सेवन परसेंट शेयर्स ऑफ फ्लिपकार्ट तो फ्लिपकार्ट को खरीद लिया है बेसिकली ऑफिशियली दो हजार अठारह तब से फ्लिपकार फ्लिपकार्ट जो है ओके ओके ही परफॉर्म कर रहा है और अभी भी मतलब फ्लिपकार्ट जैसे परफॉर्म कर रहा था इतना कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिला है तो और आएंगे धीरे धीरे बढ़ रहा है बिजनेस ई कॉमर्स और ज्यादा फेमस हो रहा है आजकल ऑनलाइन शॉपिंग भी बहुत ज्यादा की जाती है फेयर फेयरनेस एंड ब्यूटी क्रीम्स भी लड़कियां जो होती है जैसे फेयर एंड लवली भी ऑर्डर करनी हो तो भैया फ्लिपकार्ट से ही मंगाएंगे खुद जाके स्टोर से नहीं खरीदेंगे कि क्या पता वो वो जो रिटेलर है वहां पे जो शॉपकीपर है वो क्या सोच ले कि अरे ये फेयर एंड लवली लगाते छी कैसी रहेगी ये <laughs> क्या सोच ले क्या पता <laughs> क्या पता वो भी ऑनलाइन वॉलमार्ट एक्वाइड जेट और Walmart acquired मोस्ट जैन बोनोबोज Walmart इंडिया एच डी एफ सी बैंक अनाउंस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड आ हाँ 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 कार्ड इन्होंने लॉन्च किया है फॉर ओवर वन मिलियन बेस्ट प्राइस मेंबर्स तो इनके जो मेंबर्स है उनके लिए ही है बेसिकली मेरे पास नहीं है रे मेरे पास वॉलमार्ट इंडिया और एच डी एफ सी बैंक का जो है वो वाला नहीं है दूसरा है वॉलमार्ट इंडिया ओपन ट्वेंटी फिफ्थ कैश एंड कैरी स्टोर इन इंडिया तो किराना और स्मॉल बिजनेस को प्रॉस्पर करने के लिए इन्होंने और एक एमएसएमई सेक्टर को भी प्रॉस्पर करने के लिए इन्होंने ट्वेंटी फिफ्थ स्टोर अपना खोला है लेकिन अभी अभी इसके अलावा भी न्यूज़ थी कि इंडिया में बेसिकली इंडिया में बेसिकली इनका अच्छा नहीं चल रहा है और अभी अभी रिसेंट न्यूज़ थी कि बहुत सारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको इंडिया में रेसिग्नेशन देना पड़ रहा था यहाँ निकाल दिया था बेसिकली तो है अभी सीन इंडिया में इतना अच्छा नहीं है डीमार्ट है अच्छा चल रहा है डीमार्ट का एग्जांपल रहता शेयर प्राइस रहता तो उसका स्टडी भी कर लेते थे अपन डीमार्ट इज वन ऑफ द फेवरेट शेयर्स ऑफ मिड कैप सेक्टर मिडल सेक्टर में जो है ना उसमें वन ऑफ द फेवरेट शेयर्स है चलिए वॉलमार्ट के शेयर की बात करते हैं कैसा होगा 144 डॉलर ओहो तो ग्रोथ बहुत ही अच्छा है 12 डॉलर से 144 डॉलर्स गुड बिग बाजार वेंट डाउन एंड मोर तो बंद ही हो गया है बिल्कुल सही मोर जो है आदित्य बिरला का ये बंद हो गया है लेकिन उन्होंने एक नया एक अभी बेसिकली फॉर्म में आ रहा है जिसका नाम है स्टार बाजार अगर कभी आपने सुना रहेगा स्टार बाजार के बारे में तो वो एक नया अच्छा फॉर्म में आ रहा है आजकल डी को टक्कर दे सकता है स्टार बाजार तो चलिए बात करते हैं आगे जो कंपनीज बची हुए उनके बारे में तो सबकी फेवरेट मैगी 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 लड़कियों की खासकर फेवरेट मैगी 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 इनके बारे में कंपनी के बारे में, बारे में बात करते हैं क्या बोल रही हाँ मेरा यहाँ बाजार है अच्छा नेस् कैफे ओके नेस्ले एक बहुत बड़ा ब्रांड है बहुत बड़ा ब्रांड है और इतना ही नहीं मैं आपको बता दू कि इंडिया में लिस्टेड है नेस्ले इंडिया की जो सब्सिडरी है नेस्ले की ये लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे तो नेस्ले शेयर प्राइस इंडिया जब मैं सर्च करता हूँ ना ये तो बेसिकली स्विट्जरलैंड का आ रहा है इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ तो इंडिया में भी लिस्टेड है यहाँ पे देखो इंडिया में एक शेयर कितने में मिलता है एक शेयर कितने में मिल रहा है इंडिया में देखो सोलह हजार के करीब करीब और मैक्सिमम कितना गया है ये मैक्सिमम ये गया है आपका बीस हजार रुपए तक ऑलमोस्ट एक शेयर क्या बात है क्या बात है अच्छा परफॉर्म किया है तो मैगी जब बैन हुई थी ना मेरे ख्याल से उसका ईयर अगर आपको पता हो अगर उसका ईयर पता हो तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे ख्याल से उसके शेयर प्राइस में भी अपने को फॉल देखने को मिला होगा तो ईयर पता करना मैगी बैन होने का उसके बेसिस पे अपन पता लगा सकते हैं कि जब हम टेंथ में थे अच्छा ऐसे याद रखते हैं बच्चे क्या बात है तो टेंथ में कब थे तुम बच्चे 2018 तो ओके चलो यहाँ पे देखो 2018 में शेयर प्राइस कितने पे है 11,500 के करीब करीब और मैगी बैन होने से शेयर प्राइस गिर के आपका एक डेढ़ हजार पॉइंट्स गिर चुका है शेयर प्राइस फिर भी लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी उसके बाद स्टेबल ही रहा बहुत टाइम तक और उसके बाद धीरे धीरे वापस से ग्रो कर रहा है तो मैगी अभी भी है इंडिया में ऐसा नहीं है कि बैन हो चुकी है बच्चे खाते हैं और बच्चों को पसंद भी आती है 2015 अच्छा 2015 में आ रहा है मेरे को इतना डेट अच्छे से याद नहीं था 2015 चेक कर लेते हैं कोई बात नहीं मैक्सिमम 2015 2015 ये नहीं, ये नहीं नहीं गिरा हजार अच्छा क्या पता पे भी गिरावट देखने को मिली हुई है एक हजार रुपए की तो चेक करो डेट उसके हिसाब से शेयर प्राइस में तो मोमेंट जरूर देखते को मिल ही जाता है अपने को शेयर मार्केट बहुत जल्दी रिएक्ट करता है बहुत जल्दी 1866 में स्विट्जरलैंड में इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी तो कभी अगर स्विट्जरलैंड घूमने जाओ स्विट्जरलैंड घूमने जाओ तो जरूर जरूर मैगी के ऑफिस को देखना घूमना वहां पे अच्छे से नेस्ले 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 क्या पता तुमको तुम पे तरस खा के शायद मैगी खिला दे तुमको इतनी ठंड में वहां पे <laughs> उधर जाके बोलना स्विट्जरलैंड में नेस्ले के ऑफिस के बाहर खड़े होके okay. भैया मैगी दे दो मैगी <laughs> <laughs> वहां से मैगी खरीदना और इंडिया में बेचना बिजनेस आइडिया 1866 में इनकॉर्पोरेट हुआ है स्विट्जरलैंड में ये अलग ही नाम है मैं बिल्कुल प्रोनंस करने नहीं चाहता स्विस ब्रांड है इनका मिशन और विजन भी वही है गुड फूड गुड लाइफ अगर आप कभी भी एड भी देखते हो तो हर एड में नेस्ले का लोगो नेस्ले का लोगो क्या है पता है क्या नेस्ले का लोगो है एक चिड़िया फैमिली और उसके बच्चे चिड़िया के बच्चे बर्ड और उसके बच्चे बिल्कुल सही तो इनका मिशन भी वही है विजन और मिशन भी वही है good food, good अच्छा है गुड गुड फूड लाइफ लाइफ अच्छा प्रोवाइड करना और आयरनी इनके साथ यही हुई में कि इनका जो मैगी प्रोडक्ट था उसको बैन कर दिया गया गुड फूड गुड लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं फिर भी बिचारों के साथ क्या हुआ बहुत बुरा हुआ तुमको क्या तुम्हारा क्या ओपिनियन है अच्छा हुआ मैगी बैन होके या बुरा हुआ तब की बात कर रहा हूं मैं दैट वॉज was... स्ट्रेटेजी ओ हो हो बिल्कुल सही है स्ट्रेटेजी तो थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पतंजलि की मैगी लॉन्च करनी थी ना गवर्नमेंट को उसी टाइम हुआ क्या पता है क्या जिस दिन मैगी बैन हुई ना उसी दिन पतंजलि की मैगी आई थी इंडिया में लॉन्च हुई थी इन अ वाइड रेंज ऑफ फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरीज में वाइड रेंज में है क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके एक बार देख लेते हैं तो बॉटल बॉटल भी बॉटल्ड वाटर भी बनाते हैं ये नेस्ले वॉटर्स करके फेमस है अपने इंडिया में नहीं है सीरियल पार्टनर्स हैं जैसे सेरेलैक वगैरह जो है इनके ये भी बनाते हैं ये भी मेरे ख्याल से इंडिया में इतना फेमस नहीं है हेल्थ साइंस इसमें भी है नेस्प्रेसो ओके okay, ये ब्रांड कुछ नया देखने को मिला उसमें नेस्कैफे करके एक ब्रांड है नेस्कैफे जो कॉफी पीन लवर्स होते हैं ना कॉफी लवर्स उनको पूछना नेस्कैफे कैसा टेस्ट करता है नेस्कैफे और ब्रू ये दो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं Uh, लेकिन नेस्कैफे ज्यादा फेवर करते हैं सारे एस्प्रेसो जो आता है उसके बाद में भी है ये भी इंडिया में नहीं है इतने और में में भी है, में भी है है तो बेसिकली इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम आता है कॉम्पिटेटिव सिनारियों में पतंजलि का भी नाम है पतंजलि का भी नाम है देखो कॉम्पिटिटिव सिनारियों में अमूल का भी नाम है ओहो पेप्सिको वगैरह 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 उसके अलावा एक्विजीशन क्या क्या किए हुए हैं इन्होंने यहाँ पे लिस्ट है बहुत बड़ी पेट फूड्स वगैरह वगैरह अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक्विजीशन किए हुए हैं इसके अलावा 50 50 परसेंट जॉइंट वेंचर्स भी किए हुए हैं नेस्ले कोलगेट का बेसिकली 50 50 परसेंट पार्टनरशिप है कोको कोला के साथ इनका पार्टनरशिप है और सीरियल पार्टनर्स है बहुत बाकी तो बेसिकली फास्ट फूड में है ये अच्छे खासे फोर्टी सेकेंड रैंक है फोब्स में 79th, again, में अगेन बेस्ट एम्प्लॉयर और पैकेजिंग सर्विसेज वगैरह भी इन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को बेसिकली एड्रेस करने के लिए इशू को एड्रेस करने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और आगे बढ़े हैं मैंने मैंने ऐसा सुना था बचपन में कि मैगी खाते हैं जो उनके दिमाग पे असर पड़ता वगैरह वगैरह ऐसा मैंने सुनने में आया था मेरे ऐसा होता क्या अभी तुम्हारे दिमाग पे असर पड़ा भी रहेगा तो भी तुमको थोड़ी पता है कि नहीं पड़ गया वो पड़ गया अभी असर है कि नहीं <laughs> क्या पता कुछ बच्चों के पड़ा हुआ है असर क्या पता ज्यादा मैगी खाए रहेंगे बचपन में दिख भी रहा है यहाँ पे पागल पत्ती करते ना लेक्चर में <laughs> तो पता चल जाता है ये ज्यादा मैगी खाने की वजह से होता है इसलिए लड़की हो संभल जाओ <laughs> पूरे दो साल तो मैगी पे जिंदा थे हॉस्टल में अच्छा

सुनने में आता है रे ये सारी चीजें क्या पता लेकिन सच है कि नहीं क्या पता लेकिन कुछ कुछ होते हैं डाई हार्ड किट कैट लवर्स होते हैं कुछ भी आ, कुछ कुछ तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स है कभी मिल्क मेड करके हाँ ये मिल्क मेड भी एक बहुत फेमस ब्रांड है आ, ये सब भी नहीं सुना हुआ मैंने ओके okay, तो ये थी कहानी नेस्ले की अभी दो ही कंपनीज बचे हैं जल्दी से देख के बहुत छोटे छोटे बचे कंपनीज देख के खत्म करते हैं चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले डॉइश बैंक से डॉइश स्पेलिंग है है इसका डॉइश का मतलब होता है जर्मन डॉइश जर्मन लैंग्वेज को जर्मन ये वर्ड uh, जो है जर्मन इसको डॉइश कहते हैं तो इनकॉर्पोरेशन हुआ है बहुत पुरानी कंपनी है 1870 में इनकॉर्पोरेट हुआ है हेडक्वार्टर इनका फ्रैंकफर्ट में है जर्मनी अभी अगर कभी जाओ तो वहां पे इनका बहुत बड़ा प्रेजेंस है उसके अलावा बात करते हैं ग्लोबल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत बहुत इनका नाम है हमारा भी जो में जो में हमारे जहाँ पे मैंने किया था उनका भी उनका क्लाइंट था डॉइस बैंक मतलब तो बहुत अच्छी आर्टिकलशिप फॉर्म में मैंने काम किया वो है मल्टीनेशनल कंपनी का ऑडिट है आपके पास तो गुड डॉइस बैंक का थोड़ा बहुत काम था ऑडिट नहीं था डॉइस बैंक वॉज द लार्जेस्ट फॉरन एक्सचेंज डीलर इन द वर्ल्ड मार्केट में ट्वेंटी वन परसेंट शेयर इनके पास है मतलब आपको अगर कहीं बाहर घूमने जाना है तो आपको फॉरन करेंसी चाहिए होती है तो फॉरन एक्सचेंज में इनका डीलर्स में बेसिकली बहुत बड़ा योगदान है इंडिया में ये नाइनटीन एटीज में आए थे और अभी इंडिया में ही ग्यारह हजार से ज्यादा एम्प्लॉयज है पूना में भी इनका ऑफिस है तीन ऑफिस है बेसिकली दो एक दो नहीं तीन ऑफिस है डॉइस बैंक के तो जरूर अगर कभी क्योंकि ये सी को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं अच्छी और बीकॉम वगैरह ग्रेजुएट्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं तो फाइव फाइव लैख से ज्यादा इनके कस्टमर्स हैं बहुत अच्छे सर्विसेज देते हैं नॉर्मल तुमको अभी अगर तुम्हारे दिमाग में आए कि सेविंग्स अकाउंट खोलना है तो चलो डॉइस बैंक चलते हैं एस बी आई चलना तो है ना कल प्रेरित हुए तुम एस के बारे में सुन के तो चलो डॉइस बैंक चलते है भैया खोलो ये लो आधार कार्ड ये लो पैन कार्ड खोलो मेरा अकाउंट तुम ऐसे डॉइस बैंक में जाके किसी भी ऑफिस में बोलोगे तो ऐसा तुमको धक्के मार के बाहर निकाल देंगे ऐसा हो कुछ नहीं करते ठीक है तो कॉर्पोरेट्स को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं छोटे छोटे आम जनता को सर्विसेज नहीं देते हैं उसके लिए आपको एस में ही जाना पड़ेगा लंच टाइम में मत जाना लंच टाइम होने के बाद जाना ठीक है प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज में ज्यादा है तो इनका मेजर प्रेजेंस जो यूरोप में अमेरिका में और एशिया पैसिफिक में बहुत बड़ा प्रेफरेंस है। आप बस इसमें फैक्ट ये याद रखना लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज डीलर इन द वर्ल्ड डॉश बैंक 1870 में एस्टेब्लिश हुई थी जर्म फ्रैंकफर्ट में बर्लिन में बेसिकली फाउंड फॉर्मेशन हुआ था लेकिन अभी अगर बात करें तो फ्रेंकफोर्ट में इसका हेड ऑफिस है मिशन यही है इनका कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देना इकोनॉमिक सक्सेस वगैरह वगैरह वही नाम है और इनके अगर बेसिकली कामों की बात करें ना तो कहाँ देते हैं मेजर काम इनका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है शेयर मार्केट बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो होता है ये सब मोजर्स एक्विजिशन रिस्क मैनेजमेंट डेरिवेटिव्स कॉर्पोरेट फाइनेंस धीरे धीरे ये सारे वर्ड्स से तुम फैमिलियर होंगे जब आप बेसिकली इंटर लेवल पे आओगे तो इंटर लेवल पे पढ़ते हैं अपन ये सब उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेस्ट बैंकिंग परफॉर्मेंस जर्मनी का इनको अवार्ड मिला हुआ है डॉइस बैंक इंडिया रिपोर्टेड और 32 परसेंट राइज इन नेट इनकम इंडिया में ही बेसिकली क्रेडिट्स स्वस डॉइस बैंक ये फॉरेन बैंक है जो इंडिया में बहुत बड़ा प्रेजेंस है इनका और फाइव रैंक है वर्ल्ड में इसके बाद अगली जो बैंक है अपने पास वो है अमेरिकन एक्सप्रेस अमेरिकन एक्सप्रेस लास्ट लास्ट कंपनी ऑफ दिस चैप्टर अमेरिकन एक्सप्रेस बेसिकली 1850 में इनकॉर्पोरेट हुआ है हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है यूएस की कंपनी है यूएस की बैंक है तो मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन में है ज्यादातर इनका काम क्रेडिट कार्ड में है ज्यादातर आपने नाम इनका क्रेडिट कार्ड्स के लिए ही सुना होगा तो क्रेडिट इन 2016 क्रेडिट कार्ड्स यूजिंग द अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क अकाउंटेड फॉर 22.9 ऑफ़ द टोटल डॉलर वॉल्यूम। मतलब इनका 22.9 परसेंट यूएस में शेयर है क्या बात है एक से 175 कंट्री से भी ज्यादा में ये ऑपरेट uh, करती है उसमें इंडिया भी आती है बिल्कुल इंडिया में भी है अमेरिकन एक्सप्रेस अमेरिकन एक्सप्रेस भी सी को अपॉर्चुनिटीज देती है तो जरूर जरूर अगर आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिले अमेरिकन एक्सप्रेस में काम करने की तो कभी मत छोड़ना ट्रैवल फाइनेंशियल एंड नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड प्रोडक्ट्स देती हैं मैंने बताया ना ज्यादातर इनका क्रेडिट कार्ड्स वगैरह में ही है टे. और फर्स्ट ऑफिस इन्होंने जो डाला था 1921 में डाला हुआ है कोलकाता में कब हुए है? हुए हैं? हैं 1850 में और इंडिया में देखो इंडिया में 1921 में बेसिकली uh, कोलकाता में इन्होंने ऑफिस डाला हुआ है अमेरिकन एक्सप्रेस इज कंसिडर्ड पाइन इर इन ऑफ शोरिंग सर्विसेस अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया में बहुत बड़ा अकाउंट्स और फाइनेंशियल प्रोसेसेस संभालती है आउटसोर्सिंग का काम ज्यादा है क्योंकि स्किल्ड मैन पावर इंडिया में बहुत है तो बैक ऑफिस बेसिकली इंडिया को बनाया हुआ है इन्होंने ग्लोबल बैक ऑफिस धीरे धीरे करके और प्रेजेंस आएगा जरूर आएगा शुरुआत बहुत छोटी हुई थी 1850 में मेल बिजनेस के थ्रू हुई थी एक्सप्रेस मेल बिजनेस लेकिन बढ़ते बढ़ते किसने सोचा था कि पूरे पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंस कर देगी 170 कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है क्या बात है तो बात करें विजन की टू बी अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ पेमेंट सॉल्यूशंस पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर करने में इनको लीडिंग लीडरशिप हासिल करनी है फिर ये इनके प्रोडक्ट्स की अगर कुछ बात करें तो कंज्यूमर कार्ड्स अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड्स ये सब ये uh, इन्होंने दिए हुए हैं कमर्शियल कार्ड्स भी देते हैं एक्सप्रेस प्रे वगैरह वगैरह और इनके बहुत चलते हैं बहुत मैंने बताया ना बहुत ज्यादा अच्छे से कार्ड्स पे कैश बैक वगैरह देना वगैरह वगैरह इन्होंने बेसिकली शुरुआत की थी यूएस में फिर उस उस कंसेप्ट कॉपी किया जाता है इंडिया में उसके अलावा बात करें तो ये कुछ रैंकिंग्स हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं तो सिक्स लाख न्यू मर्चेंट्स को इन्होंने एड किया हुआ अमेरिकन एक्सप्रेस पे क्या बात है यार इंडिया में भी बहुत अच्छा प्रेजेंस तो आपका ये लेसन खत्म होता है एक बार फिर से चेक कर लेते हैं सारी कंपनीज अपन ने की है क्या आते हैं फर्स्ट पेज पे तो डॉयच बैंक किया अमेरिकन एक्सप्रेस नेस्ले माइक्रोसॉफ्ट आईबीएम इंटेल एचपी एप्पल वॉलमार्ट सब देख ली मुझे बताओ तुम्हारी फेवरेट कौन सी हुई ग्लोबल में से अगर तुमको बोला जाए कि, कि किसी एक में तुमको अगर इन्वेस्ट करना है तो तुम्हारी फेवरेट कौन सी हुई इन इन सब में से तुम पे तुम्हारा दिल किस पे आ गया बताओ बताओ Nestle Nestle, Nestle. Nestle and Microsoft. Okay, Nestle, Apple. Microsoft, Apple, Microsoft. Apple, Nestle. <laughs> okay, Microsoft, Okay, Okay, Apple, 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 famous और Apple. बाकी किसी ने बाकी का नाम कोई नहीं लिया अच्छा <laughs> रिद्धि भी बोल रही है एप्पल ही क्या बात है क्या बात है बेटा तुमसे तो एक्सपेक्टेड ही था